किधर पता नहीं सर। पता ये रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर, एक बार कंफर्म करोगे? है ये बाद में बताएंगे, चलो जो सिखाता हूँ वही मेरा सीक्रेट है, और कोई सीक्रेट नहीं है, अलग से कुछ नहीं करता, कुछ भी सीक्रेट नहीं है, जो सिखाता हूँ वही। सीक्रेट रख के टीचर मरेगा क्या? कल एक्सपायरी में दिए थे दो दिया। एक बार गलती हो गया और दोबारा गलती नहीं करती। नहीं आप बोल रहे थे कि मैं नोट नहीं दे रहा था। मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर, चलो। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। ठीक है सर, हम लोग अभी कल का क्लास तो नहीं हो पाया था, ऑप्शन ट्रेडिंग को ही कंटिन्यू करेंगे, जो ग्रीक चल रहा था ग्रीक में ही हम लोग अभी रहेंगे। लेकिन उससे पहले चलो थोड़ा सा आज का मार्केट दर्शन कर लेते हैं। प्रसाद अच्छा, ऐसे में आज, बूंदी के हाँ आज, लड्डू, आज प्रसाद बहुत अच्छा बांटा है मंदिर ने, बूंदी के लड्डू, देसी घी। जैसा एक्सपेक्टेशन था प्रसाद वैसा ही मिला है सर। एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई, सुबह से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था। एक्चुअली मेरे कल से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई, एक्सपेक्टेशन इसलिए था क्योंकि लगातार मुझे, मैं अच्छा अभी अभी पूर्णिमा मुझे यही पूछ रहा था सर, क्या ऐसा सोचा आपने? ठीक है, दो चार देखो, एक तो मार्केट एनालिसिस। हाँ ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है और होना भी चाहिए कि सर आपने तो कॉन्फिडेंसली कैसे बोला कि आज मार्केट आप जा सकता है या फिर गैप अप दे सकता है। दो तीन रीजन मेरे दिमाग में काम किया। एक, जिस तरह से टैक्स का इम्पैक्ट मार्केट को नेगेटिव लेके गया था, एसटीसीजी एलटीसीजी का जो कॉन्सेप्ट, एलटीसीजी में तो बेनिफिट ही दिया सर, इसको लेके तो बात ही नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बेनिफिट दिया है, वो बैम्बो नहीं किया। जो 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, वो 12.5% किया है। हाँ, दस को बता रहा हूँ सुन, 10% को बढ़ा के 12.5 किया है। लेकिन जब तुम्हारा 1 लाख का लिमिट था, वो 1,25,000 हुआ, तो प्रोपोर्शनेटली अल्टीमेटली तुमको सही किया है। लेकिन इसमें एक चीज और है, वो वहां पर तुम अगर पढ़े हो उसको पढ़ना, देखना, लिखा है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पे 12.5%, ऑल एसेट्स पे 12.5%। पहले क्या था, सिर्फ शेयर मार्केट रिलेटेड जो एसेट्स होता था, म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो एसेट्स होता था, उसी में सिर्फ ये 10% का सिस्टम लागू होता था, बाकी जो एसेट्स होता था उस पर 20% का कैपिटल गेन लगता था, जैसे कि लैंड बिल्डिंग एटसेट्रा। अभी लैंड बिल्डिंग वाले केस में भी तुम्हारा 20% नहीं लगेगा, 12.5% लगेगा। लेकिन 20% के टाइम पे एक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का एक उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स के भाषा में इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, छोड़ो उतने डिटेल्स में मत जाओ, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट तब होता है, सपोज मैंने कोई जमीन आज से 10 साल पहले लिया था, तब 2 लाख में लिया था, अब मानो 40 लाख चल रहा है, अब 38 लाख का टैक्स भरे क्या? तो वो 2 लाख को करंट हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है महंगाई के साथ, फिर जो वैल्यू वो 2 लाख का आज के रेट में बनेगा उसके साथ एडजस्ट करके जो गैप होगा, शायद वो 38 लाख ना होके मे बी 20 लाख होगा, और फिर उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था, ये सिस्टम होता था। अब सरकार बोल रही है कि वो इंडेक्सेशन वगैरह हटा देंगे, एबोलिश कर देंगे, और सिर्फ सीधा 12.5% कर देंगे, मैंने रेट को घटा दिया, वो इंडेक्सेशन विंडेक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो सब हटा देंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। ये है, ये लॉन्ग टर्म का केस है, तो ये लॉन्ग टर्म मार्केट को इम्पैक्ट पॉजिटिव दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम लोगों को सबसे ज्यादा चीड़ जिस पे लगा है वो 15% का एसटीसीजी को जो 20% किया है। सर इसमें और क्या ही कर सकते हो, अब कोई भी चीज अचानक से जब बढ़ता है, ऐसे अचानक नहीं, बहुत दिन नहीं पड़ा, तो अचानक से बढ़ने से तो चीड़ तो होगा, लोगों को दुख तो लगेगा, लेकिन क्या है ना, ये मार्केट है, रेगुलेटेड रेगुलेशंस के ऊपर चलता है, सरकार भी अपना रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहता है। अब जब मार्केट में इतना वॉल्यूम है तो सरकार छोड़ देगा? सिगरेट का, अगर नशा का चीज का बात करो, सिगरेट या दारू जैसे चीजों का, उसमें सरकार दिन पे दिन टैक्स बढ़ाते जाते हैं, तो क्या लोग पीना छोड़ देते हैं? गवर्नमेंट को भी पता है कि ट्रेडिंग एक नशा की तरह है, लोग नहीं छोड़ेगा, और अगर नहीं छोड़ेगा तो हमें भी पैसा का रिक्वायरमेंट बहुत है, हम भी इंडिया को डेवलप नेशन बनाना, उनका भी कुछ अपना मकसद है,
हम उनको गाली दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो जितना मर्जी गाली दे दो, तुम दे दो, मैं दे दू, ये देगा, ग्रुप में और भी सब लोग है, बहुत कुछ बोलता है, और इट्स ओके, पसंद नहीं आया गाली देंगे। असली ग्रोवर भी गाली दे रहा है, बोले कि इससे अच्छा तो अम्बानी का शादी देख लेते, ये तो बोरिंग बजट था, ठीक है, ऐसा ऐसा वो भी बोल रहा है, एक एंटरप्रेन्योर इतना बड़ा लीडर हो, ठीक है, सबका अपना अपना है। मोदी भी तो बमबुद्धि आया ना, अच्छा किया, उसको पता है उसका नीड है, 5 साल बाद रहे ना रहे, पैसा मिलेगा, काम करेगा, पीओ के हड़प लेगा, हड़प लेगा मैंने अपना चीज फिर से वापस लेगा, पैसा चाहिए, डेवलप बनाएगा, क्या पता कल क्या और कुछ मिल जाए, फिर जिसका तुम पीछे पड़ रहे हो वही जो जोकर है वही कुछ कम का काम करके निकलता है ना, हो सकता है। अब ये सब देखो, सरकार क्यों छोड़ेगा, आपको पता है इंदिरा गांधी शायद विश्वनाथ में भी थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं आप, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो रिच लोग थे उनके पास अगर मानो सपोज किसी के पास पुराना डायमंड था, ठीक है, या पुराना कोई भी महंगा एसेट था, उस पर 100% टैक्स मांगता था इंदिरा गांधी, तो जो लोग थे 100% वेल्थ टैक्स, मैंने जितना है उसके ऊपर तुमको 20% 30% 40% टैक्स देना पड़ेगा, अभी और वेल्थ टैक्स एबोलिश हो चुका है, अभी और नहीं है, तो उस टाइम पे जब ये आया था जो जिनके पास था पुराना गोल्ड पुराना डायमंड या जो भी हाई फाई एसेट्स होता था उसके ऊपर उनको रखने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, टोटल वैल्यूएशन पे, मैंने एवरी ईयर वैल्यू बढ़ता है उसके ऊपर टैक्स देना है। तो कुछ लोगों ने बोला भी इतना टैक्स क्योंकि रेगुलर इनकम नहीं है, इतना टैक्स नहीं दे सकते, इससे अच्छा आप लोग खरीद लो ना, फिर म्यूजियम में रख लो, खरीद तो कुछ नहीं पाया सरकार ने, उल्टा प्राइवेट पार्टी को बोला आप लोग खरीद लो, फिर वो लोग जो महंगा महंगा जो पुराना एंटिक चीजें था ना वो सबको गला के और मार्केट में नॉर्मल डायमंड नॉर्मल गोल्ड में बदल दी, जो एक जो अगर आज भी होता ना भारत के पास तो वो अलग ही लेवल का एक वैल्यूएशन होता जो भारत के पास था। तो ये समय समय में सरकार करता है और इसमें हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, थोड़ा गाली दे सकते हैं, चिढ़ सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। देखो मार्केट को पसंद आ गया मार्केट ने उसका जवाब दे दिया, इट्स ओके, हम ट्रेडर है ट्रेड करेंगे, हम नशा करते हैं नशा करेंगे, दाम बढ़ाने से नशा करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, ये लगातार दुख हो रहा था, अब देखो दुख खत्म हो गया है, इसमें ये वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरा सोच यही है ना कि गवर्नमेंट ने जब कुछ किया पब्लिक को शॉक लगा, ठीक है, अब धीरे धीरे वो शॉक को बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त मोटा मोटी 3 दिन तक किया है, ठीक है, अब फिर 4th दिन उसको लग रहा है भाई पहले 100 टका कमाते थे सरकार हमसे 15 टका मांगता था, अब 100 टका कमाएंगे 5 टका ज्यादा मांगेगा, लेकिन 100 टका तो कमाना पड़ेगा, सिंपल सोच, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आके काम करेगा, ठीक है, उसको पहले 40% टैक्स देना पड़ता था, अभी उसको 35% टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए तो सुविधा दिया है 5% उनका टैक्स घटा दिया, तो फॉरेन का फ्लो रहेगा, ऐसा थोड़ी है, और मार्केट का वॉल्यूम, ये एक्चुअली क्या है ना, गवर्नमेंट चाह रहे हैं कि मार्केट में लोग सट्टा ना खेले, लेकिन सरकार कितना भी टैक्स बढ़ा दे, ठीक है, सट्टा खेलना लोग बंद नहीं करेगा, नहीं करेगा बंद, अब देखते रहो, ये मेरा मानना है, नहीं करेगा, हाँ कुछ कुछ दिनों के लिए, हाँ एकमात्र तभी ये बंद हो सकता है अगर गवर्नमेंट बोले कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, करेंसी में तो हुआ है, करेंसी में तो हुआ है, करेंसी में हुआ है, करेंसी में रिटेल पार्टिसिपेंट्स का एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड माने अगर आप रिटेल पार्टिसिपेंट्स हो, ऐसे बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, इट्स ओके, बट अगर कुछ गड़बड़ हुआ सेटलमेंट का आशा ना करो, रिटेल पार्टिसिपेंट माने हम आप जैसे लोग, ठीक है, करेंसी में क्या किया, जिसका करेंसी का एक्सपोजर नहीं है वो करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकता, एक्सपोजर माने जैसे मानो पप्पू, ये मानो एक्सपोर्ट का काम करता है, इसका प्रोडक्ट फॉरेन जाता है किसी दूसरे कंट्रीज में, उसको डॉलर में इनकम मिलता है, अब डॉलर का रेट बढ़ जाने से इसका इनकम क्या होगा, एक्सपोर्ट करेगा तो बढ़ेगा लेकिन गिरने से घट जाएगा, अब मानो डॉलर का रेट 82 से 81 हो गया, पर डॉलर में 1 टका लॉस, माने $1 करके लॉस, अब ये $1 या $0.5 या $0.3 या $0.2 ये लॉस को भरपाई करने के लिए इसे क्या करना होगा, करेंसी मार्केट में हेजिंग पोजीशन लेना होगा, माने अगर वो देख रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का रेट गिर रहा है तो उसको बचाने के लिए उसे करेंसी मार्केट में
क्या करना पड़ेगा, पोजीशन होल्ड करना पड़ेगा, पुट बाय करना चाहिए। पुट बाय करेगा प्रीमियम में कमाएगा, या फिर जो ओवरऑल ग्रोथ होगा उसमें उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ डेरिवेटिव। यही बात अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था, ये जो डेरिवेटिव मार्केट चलता है इसको बनाने के पीछे का मेन रीजन क्या है। अगर आपके पास एक्सपोजर हो, एक्सपोजर माने सपोज जैसे अभी मैं बोला कि अगर आप एक्सपोर्टर हो इम्पोर्टर हो, आप करेंसी का फ्लक्चुएशंस आपको इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली, तो जाके आप डेरिवेटिव मार्केट में आ सकते हो। सपोज आप रिलायंस का शेयर होल्ड करते हो, HDFC का शेयर होल्ड करते हो, ठीक है, सपोज आपके पास हजार हजार शेयर है, ठीक है, रिलायंस का है, HDFC का है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस खराब किया है, इसका शेयर का दाम गिर सकता है, तो आप एक काम करो, तो फिर आप डेरिवेटिव मार्केट में आ जाओ। HDFC रिलायंस डायरेक्टली खुद भी ट्रेडिंग करता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग इसका भी होता है, एज वेल एज ये खुद निफ्टी का भी पार्ट है। HDFC रिलायंस निफ्टी का भी पार्ट है। तो इस डेरिवेटिव मार्केट को बनाने का मेन पर्पस ये था कि अगर किसी के पास 1000 शेयर रिलायंस का है, सपोज 3000 टका करके रिलायंस का शेयर चल रहा है, आपके पास कितना वैल्यूएशन है, कल अगर आपको खबर मिलता है कि रिलायंस का परफॉर्मेंस ऐसे हुआ भी है रिसेंटली, परफॉर्मेंस खराब हुआ तो शेयर का दाम गिर के 2900 में चला गया था, क्या था ना, अभी भी नीचे ही है 30,000 3,000 में, फिर से अभी तक नहीं आया, आएगा 3800 टारगेट है, ले सकते हो अप्रोक्स 3700-3800 तक जाएगा एक साल के अंदर, एक दो साल के अंदर, ठीक है। ऐसे रिलायंस ऐसे बहुत फास्ट फास्ट मूव नहीं देता है, स्टेडी ग्रोथ देता है, लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर 100 टका करके आपने लॉस खाया, तो कितने का लॉस खाया आपका, 1,00,000 का लॉस है। आपका 30,00,000 का पोर्टफोलियो था, आपका 30,00,000 का पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो कितने का हो गया, 29,00,000 का। ये 1,00,000 का लॉस का भरपाई कैसे करोगे आप, अब डेरिवेटिव में आ जाओ। जब आपको पता चले कि रिलायंस का परफॉर्मेंस खराब होगा, और रिलायंस निफ्टी जो है उसमें रिलायंस का अच्छा खासा है, तो मतलब ठीक है मार्केट नीचे है, पुट बाय, ठीक है, आप निफ्टी नहीं, या तो 65,00,000 से ऑप्शन से या तो टका लगे लगे ना, तो मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे कैपिटल कम लगे। नॉर्मल मार्केटे आपके पूरा टाका दीते हुए, नॉर्मल मार्केटे आपके शेयर किनते हुए पूरा टाकाटा ही दीते हुए। चलो मैं तुम लोगों के खुशी के लिए एक मिनट का चार्ट दे दी, ठीक है, देख क्या टाइम लिखा लिखी, अरे समझा रहे ना तो मार्केट देख के क्या करोगे, मैं तो डेरिवेटिव समझा रहा हूँ। लो देखो ए, तुम लोग समझ में आ रहे हैं, डेरिवेटिव में नशा नहीं है, मार्केट में नशा है। समझ में आया कि नहीं आया जो मैं समझा रहा था, मैंने बेसिकली डेरिवेटिव मार्केट का मेन पर्पस यही है। ये मार्केट खोल के तुम लोगों को पढ़ाना ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट का मेन पर्पस यही है कि जब तुम्हारे पास एक्सपोजर हो तो तुम उसको ऑप्शंस में या फ्यूचर में ट्रेड लेके अपना लॉस को भरपाई कर सकते हो। मैंने यही 1,00,000 टका टके आपने यही मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, कवर करते पारें पोजीशन नहीं है, कॉल व पुट नहीं है एज पर द सिचुएशन। एटा होच्छे डेरिवेटिव एर मेन पर्पस, এইজন্যই ডেরিভেটিভ মার্কেট কে খোলা হয়েছে এবং এইজন্যই ডেরিভেটিভ মার্কেট চলে। আমার আপনার মতো লোকেদের জন্য ডেরিভেটিভ মার্কেট নয়, অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে নয়, কিন্তু মার্কেট ইতনা বড় হুয়া হ্যায়, মার্কেট মে ইতনা লিকুইডিটি আয়া হ্যায় কি হাম আপ জেসে লোক জব এন্ট্রি লেতে হ্যায় না 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 কে লিয়ে, ঠিক হ্যায়, ইয়া কুড 1,00,000 ভি 2,00,000 ইভেন 1,00,00,000 তক ভি কুছ করে না আপ, ইতনা ইম্প্যাক্ট নেহি করতা হ্যায় মার্কেট কো, ये इतना इंपैक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग 1,00,00,000 का शेयर सेल करते हैं मार्केट सीधा 24,000 से 23,000 आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप ओशियन में पत्थर फेंकना कुछ भी नहीं होता है। ये इतना बड़ा समुंदर हो चुका है, इंडियन मार्केट इतना बड़ा हो चुका है वॉल्यूम में कि हमारे आपके जैसे लोगों के कारण इतना भी, हाँ एक साथ सबको इम्पैक्ट करे तो इम्पैक्ट पड़े, जैसे कि आजकल हो रहा है, जैसे लास्ट 3 दिन से जो मार्केट गिरा है, ठीक है, सब कोई मिलके सेलर बन रहा है तो इसीलिए इम्पैक्ट तो दे रहा था, ठीक है। तो ये रीजंस बेसिकली काम करता है। तो बेसिकली हम लोगों को इतना सोचना नहीं है फिलहाल कि क्या होगा, हम लोगों को एक्सपोजर नहीं है, कुछ नहीं होगा सर, मार्केट इतना लिक्विड है कि आप आराम से ट्रेड करो, प्रीमियम समझो,
कब मार्केट का ग्रोथ आएगा देखो समझो, तो ट्रेड लो। जैसे आज हम लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने किया बोला ना कि आज पूरा मेरे को बिलीव लग रहा है कि मार्केट मूव देगा, और ऐसा ही हुआ है। आप लोग भी कभी कभी बोलते हो कि सर आज तो लग रहा है मार्केट सही जाएगा, तो जाता है ना। तो एग्जैक्टली धीरे धीरे जितना आप मार्केट को एक्यूरेसी लेवल में लेके आओगे अपने सोच के साथ साथ, धीरे धीरे मार्केट काम करेगा। कहां से कहां लेके आ गए थे, 150 पॉइंट में आज मूवमेंट दे दिया हमारे, 24,400 450 में कल क्लोज हुआ था, 420-440 में आज 170-180 पॉइंट में मूवमेंट दे चुका। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि मार्केट को ये जो बजट बजट ये सब आता जाता रहेगा, मार्केट तो रहेगा ना, साल में एक बार बजट आएगा, उसके चलते क्या मार्केट बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं। कुछ कुछ तो कोई कोई सोच रहा था, कोई कोई सोच रहा था कि ऐसा होगा कि इंडियन मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा सोच रहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं। इवन कल भी मैं उसको बोला कि 500 तो जाएगा, हाँ उस दिन नहीं गया वो अलग बात है, लेकिन मेरे को पता था कि ये पॉजिटिव छिल মানে পড়ে ছিল 500 টার্গেট অ্যাচিভ করতে কষ্ট হয়েছে ওই 400 450 480 तक जा रहा है फिर नीचे ही आ रहा है 500 नहीं क्रॉस कर पा रहा था नहीं कर पा रहा था कि क्योंकि वो जो डर था वो पूरा पूरी खत्म नहीं हुआ था, ये सब रीजन था। अब वो डर नहीं है, अब डर खत्म। हाँ अब बीच बीच में करेक्शन तो मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग चलेगा, ये सब अभी जैसे नॉर्मल चलता है। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है मार्केट ऐसा रहेगा, हाँ अगर कोई फर्दर नेगेटिव इश्यूज ना हो ठीक है, तो क्योंकि ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ बजट इज नॉट एवरीथिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि अब हम लोग साल के बीच में आ गए, जुलाई खत्म होने को है, अगस्त आ रहा है, एकदम मिड ऑफ द ईयर हो गया ना। अब जो अपकमिंग टाइम आ रहा है सर, अभी क्या ट्रिगर सबसे मेन काम करेगा, आईटी स्टॉक को फॉलो करिएगा। अब धीरे धीरे आईटी स्टॉक और मोमेंटम देगा, चांसेस इज वेरी हाई। फार्मा स्टॉक को देख चेक करिएगा, फार्मा मोमेंटम देगा। सीमेंट का स्टॉक फॉलो करिएगा, सीमेंट मोमेंटम देगा। इसका रीजन है बिहार एंड आंध्र, बजट देखे हो ना तीनों भाई। हाँ नहीं सीमेंट का रीजन बता रहा हूँ। हाँ रेल तो देगा, रेल में भी काफी खर्चा कर रहा है, रियल एस्टेट। हाँ वही है, सीमेंट का मतलब रियल एस्टेट से कनेक्टेड, ठीक है, रियल एस्टेट एंड मैंने बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज, क्योंकि उसमें सबसे बिहार और आंध्र प्रदेश में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है और रोड एंड डैम वगैरह के लिए बहुत खर्चा कर रहा है सरकार। बिहार को सर 60,000 करोड़ दिया है, उसमें से 28,000 करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड डेवलपमेंट के लिए बिहार को मिला। मैंने नेक्स्ट 5 साल में, 5 साल बाद बिहार के जाओगे ना रास्ता देख के समझ नहीं पाओगे कि पटना में खड़े हो कि नोएडा में खड़े हो। यूपी जैसा कर देगा, उसी तरह हो जाएगा। आरबीएनएल अभी गिर रहा है ना, आर्मी सेक्टर, हाँ डिफेंस सेक्टर, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक एक्चुअली एक मोमेंटम दे चुका है, अभी शायद उतना मोमेंटम नहीं होगा, थोड़ा सा देखो अगर करेक्शन करे तो लो, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों महीने से डिफेंस स्टॉक में ऑलरेडी सबको पता था कि सरकार डिफेंस में खर्चा करेगा। क्यों? डिफेंस में खर्चा करना तय था क्योंकि चारों तरफ वॉर सिचुएशन है, ठीक है, यूरोप लड़ाई लड़ रहा है ना, रशिया यूक्रेन दो कंट्री नहीं है एक्चुअली, रशिया के अगेंस्ट में मेनली अमेरिका खड़ा है और नेटो कंट्रीज खड़ा है ना, रशिया के अगेंस्ट में नेटो यानी पूरा वेस्टर्न यूरोप का डेवलप नेशंस जितना सारा है लाइक फ्रांस जर्मनी ये सब मिल गए हैं, उनको साथ दे रहा है और वो यूक्रेन को साथ दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक वॉर सिचुएशन है विद रशिया। इधर इसराइल के साथ पैलेस्टीन और उसमें ईरान और भी छोटा छोटा तुर्की वगैरह सब मिलजुल के एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में। अच्छा इधर हमारे यहाँ पर चाइना और इंडिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रॉपर, नहीं ठीक है। अच्छा इधर बांग्लादेश में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, चारों तरफ वॉर सिचुएशन जिस तरह से डेवलप होते जा रहा है, ऐसे हालत में अगर इंडिया अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ाएगा तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो संभालेगा कैसे, कुछ उपाय नहीं था। अब ये कुछ लोग तो सर फालतू में टिप्पणी करता है, कल जब आके अटैक कर देगा फिर बोलेगा देखो देखो क्या कर रहा है ना, तो इसको पता है ये पैसा इसीलिए ना ये पैसे के पीछे भाग रहा है क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशंस बहुत नाजुक सिचुएशन से जा रहा है। तेल को लेके मारपीट हो ही रहा है, तो समझने लायक बातें सरकार के एंगल से अगर सोचो। देखो मैं किसी का तरफदारी नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको सिनारियो बता रहा हूँ
बाकी आप अपने अपने सोचो, मेरे को किसी को तरफदारी करने का कोई इच्छा नहीं है, मैं अपने तरफ भी देखूंगा, मैं सरकार के तरफ भी देखूंगा, तभी बैलेंस बना रहेगा। एक तरफा विचार करोगे ना, हमेशा जिंदगी में प्रॉब्लम में रहोगे। विचार दो तरफा होना चाहिए, मैंने आम ही ठीक बाकी सब भाई भूल, एटा ठीक ना। विचार तो एक्शन पक्का ही हो, विचार एक तो पक्का हो नहीं होता है, बैलेंस कर ठीक नहीं बोल ना, ठीक भूलेर कथा बोलती ना। मैंने कहने का मतलब है कि सरकार क्यों कर रहा है और मेरे साथ क्यों खराब हुआ है, माने हम लोगों के लिए नेगेटिव है, ये दोनों एंगल है ना। अब दोनों एंगल में अगर तुम जैसे मानो एक सिंपल चीज, जो लोग एक तरफा विचार कर रहा था, प्लीज उसी के पॉइंट में मैं बात को उठा रहा हूँ, जो एक तरफा विचार कर रहा था उसके हिसाब से मार्केट अभी 23,000 में होना चाहिए ऑब्वियसली, 24,000 के नीचे आ जाना, मैं 24,000 के नीचे आ जाना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब है एक तरफा विचार में तो मार्केट क्रैश कर जाना चाहिए, 24 के नीचे आ जाना चाहिए। नहीं, इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया है, एसटीडी बढ़ा दिया, मार्केट को पसंद नहीं है, वॉल्यूम नहीं रहेगा, यही तो बात हो रहा था ना, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ। ऊपर से दो दिन से तो गेन ही कर रहा है धीरे धीरे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट एंगल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पब्लिक एंगल, और ये ब्रॉडर पिक्चर है सर, हम लोग ब्रॉडर पिक्चर को नहीं देखते और सिर्फ एक नैरो एंगल को देखते हुए कंक्लूजन खींचेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। मार्केट का तो एकटा जिनिस नय ना, अनेक किछु आछे। और जो बजट बना है ना सर, बजट मैं आपको बोल रहा हूँ, वो चाहे कोई कुछ भी बोले, बजट बहुत सस्टेनेबल है, फ्यूचर को देखते हुए ही बजट है, ये ऐसा मेरा मानना है। और ये मेरा मानना कितना सही है कितना गलत है ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मेरा कोई टैग नहीं है एनालिस्ट के तौर पे, टीवी में बकता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि ये बजट सस्टेनेबल बजट है। हाँ, हो सकता है कि सबको खुशी नहीं किया जा सकता, बट बजट सस्टेनेबल है। और देखना वो धीरे धीरे मार्केट उसका बिहेव करेगा, इंटरनेशनल फाइनेंस जो मैंने जो इंडियन इंडिया में जो फ्लो होता है उनको बूस्ट है, उनको बूस्ट है, तभी मार्केट में पैसा का फ्लो हो रहा, नहीं तो आज FII पैसा ही नहीं लगाता। जो चीज मैं बोल रहा था कि अपकमिंग दो चीज ट्रिगर करेगा, एक तो इंडिया में फेस्टिव सीजन है, डोमेस्टिक मार्केट बूम करेगा क्योंकि फेस्टिव अगस्त से सितंबर से चालू हो जाएगा, तो एक है डोमेस्टिक सीजन, प्लीज इसको फॉलो करते रहना तो सही स्टॉक चूज कर पाओगे, डोमेस्टिक मार्केट का बूमिंग। और एक अनदर चीज मैं आपको बता रहा हूँ, USA में इलेक्शन, US का इलेक्शन, ये दोनों चीज अगला 5-6 महीने का मार्केट का मेन ट्रिगर है। डोमेस्टिक मार्केट बूम, डोमेस्टिक मार्केट माने हमारे फेस्टिव समय जब शुरू है ना, এই যে অগস্ট থেকে যে ফেস্টিভ শুরু হচ্ছে, এই মোটামুটি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এর পর থেকে সব শুরু হয়ে যাবে, তো এই সময় থেকে ডিসেম্বর নভেম্বর পর্যন্ত দিওয়ালি আপ টু দিওয়ালি প্রপারলি দেখা যায়, তো এই সময়টা ভারতের মার্কেট খুব ভালো থাকে, বাজার খুব ভালো ওভারঅল, মানে সেই কনস্ট্রাকশন থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যালস এভরিথিং, প্রত্যেকটা জিনিস, ফ্যাশনেবল প্রোডাক্ট, ইভেন জেসে আগে লড়কি লোক পছন্দ হয় ফ্যাশনেবল গুডস চুজ করো, আপ লোক জিস কোম্পানি কে সাথ জুড়ে রেতো, নাইকা দেখো আপ, ঠিক হ্যায়, ये एकदम लेडीज स्पेशल, ठीक है, नाइका देखो, पैंटलूंस देखो, मान्यवर देखो, ठीक है, मान्यवर मोहे, ठीक है, ये देखो उसका भी शेयर का दाम है भूल रहा मैं, ठीक है, फैशनेबल जो है ये सब देखो। अब देखना कि ये अपकमिंग सीजन में अगर अभी से लोगे ना, और शादी का सीजन आएगा अभी से लोगे तो वो बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है, वॉच करो, होटल इंडस्ट्री ऑल्सो चेक करो, मैंने सीजन जब चीज डोमेस्टिक सीजन अभी बूस्ट होने वाला है तो अभी करेंट मार्केट डोमेस्टिक ड्रिवन, इतना देर बजट का कहानी था, अब कहानी और बजट का नहीं है, खत्म, ये एरा खत्म, ठीक है, अब न्यू एरा शुरू हो रहा है, तो माइंडसेट शिफ्ट करो, टाइम लगेगा, माइंड शिफ्ट करो, धीरे धीरे टाइम लगेगा। US इलेक्शन है के जीतछे, मैंने मोटामुटी ट्रंप पे जेता चांस बेसी, बट अपन बोला जाए ना ओरा की भावछे, मोटामुटी एटा एकटा ट्रिगर करबे, तार साथे आईटी परफॉर्मेंस, कारण US এর উপরে আইটি বিজনেস ডিপেন্ড করে থাকে, ঠিক আছে, এবার আইটি পারফর্ম খারাপ করলে কিন্তু নিফটিতে ইম্প্যাক্ট পড়বে, ঠিক আছে, তো দিস কাইন্ড অফ থিংস মার্কেট গো, দেখো বলা না, আগার 600 পার করেগা 700 কে আসপাস যায়গা, বলা থাম, কি আগার 600 পার করেগা তো 700 ট্রিগার হয়, অলরেডি দেখো ধীরে 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 650 মে তরফ যা রহা হ্যায়, আই ডোন্ট নো কব তক লেকে যায়গা, বাট শায়দ যায়গা, আজ পুরা FII কা এন্ট্রি হুয়া হ্যায়, 100% FII কা এন্ট্রি, আজ পুরা মেরি ना, प्रीमियम ठीक है, चलो ए
समझ में आ रहा है सर मार्केट किस तरह का चेंजेस में जा रहा है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश किया। चलो कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं। अगर तुम लॉन्ग टर्म चेक करोगे तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, मैंने शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। अब तुम सेम टाइम पे शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म चेक करो कि लॉन्ग टर्म में क्या अभी भी मोमेंटम है, लाइक आवरली या हाफ आवरली का चार्ट चेक करो। वो तो आ ही नहीं रहा, नीचे ही नहीं है। तो इस एंगल से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव होने से लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म सस्टेनेबल है कि नहीं, कैंडल क्या बता रहा है? साइडवेज है, साइडवेज है ना। तो अगर लगातार चार पांच साइडवेज रहेगा तो हो सकता है कि इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा वो करेक्टिफाई करे। तीन चार तो इंडिसिजन कैंडल ही है। हाँ, हो सकता है ना, इंडिसिजन कैंडल है और ऊपर से अप ट्रेंड में है, तो मे बी चांसेस वेरी हाई कि थोड़ा सा वो रेक्टिफाई करेक्शन कर सकता है, क्योंकि इतना सा मूव दिया है ना करेक्शन करके। मे बी ये देखो 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 ठीक है सर, एक घंटे वाला चार्ट देखो जैसे अभी ये वाला सर, एक घंटे का वाला ग्रुप चला है ये देखो, चलो ए चलो, तुम लोग को आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाऊंगा। देखो सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट इज, आज का टॉपिक है सर वोलेटिलिटी, ठीक है, जिसको लेके आप लोग बहुत ज्यादा ऑलवेज चिंता करते हो। मार्केट वोलेटाइल होने से ना ट्रेडिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है, पर वोलेटाइल मार्केट ही है जो एक्चुअली आपका ट्रेडिंग टेक्निक को इम्पैक्ट करता है। मैंने वोलेटिलिटी को जो समझ पाएगा वो मार्केट में टिक जाएगा, जो वोलेटिलिटी को नहीं समझ पाएगा उसको मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है। वोलेटिलिटी इज एवरीथिंग, वोलेटिलिटी के ऊपर बेस करके ही मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, कितना पीछे आ सकता है, ठीक है। ये अभी पूछ रहा था मेरे को, सर क्या सोचते हो? वोलेटिलिटी सोचता हूँ, मार्केट अप डाउन सोचता हूँ, ये सभी चीजें जो सिखाता हूँ वही सोचता हूँ, और क्या सोचता हूँ। और जितना समय जा रहा है और मार्केट में जितना आप समय देते जाओगे उतना तुम परफेक्शन लेते आओ, कोई भी सभी के केस में होता है, बट हाँ सही डायरेक्शन पे चलना जरूरी। रिसेंट ट्रेड में हम लोगों ने डेल्टा, वेगा, नहीं वेगा नहीं पड़ा, गामा, वेगा नहीं पड़ा अभी तक। एक्चुअली वेगा इसलिए नहीं पड़े क्योंकि वेगा इज डिपेंड ऑन वोलेटिलिटी, ठीक है। एक चीज होता है यहाँ पर नहीं दिया, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको, ऑप्शन चेन का एनएसी खोलता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन चेन में एक होता है आई भी देता है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, मैं समझाऊंगा तुमको। नहीं नहीं, दिस इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, नहीं ये इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, नहीं ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैसे काम करता है। वोलेटिलिटी रिलेटेड बहुत सारा चीज है, धीरे धीरे बात होगा सर। पहले तो वोलेटिलिटी क्या है इसको समझने का आप प्लीज कोशिश करो, ठीक है। पहले तो वोलेटिलिटी को समझने का कोशिश करो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर आईवी का डेटा क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था। ठीक है, ग्रेग व्यू एलटीपी ऑल कॉलम आईवी अगर ना टच हो आई पर आईवी टाइम वैल्यू एलटीपी स्ट्राइक इंट वे वैलिड नहीं, ना वो नहीं है, ये नीचे था, ये रहा आईवी, ये रहा इंप्लाइड वोलेटिलिटी, माने कितना परसेंटेज वो चेंज करेगा, कितना परसेंटेज चेंज करेगा वो एक्चुअली ये आईवी बताता है। पहले समझो, नहीं तो ये डेटा नहीं समझ, जिस तरह से हर चीज में हम लोग एक एक करके समझे ना सर, ठीक है, डेल्टा को समझ पाए, थीटा को समझे, ठीक है, सिमिलरली आप उसे भी समझ जाओ। तो प्लीज पहले वोलेटिलिटी को समझो, उसके बाद ये सब अंदर का बात समझ पाओ। ए, बात मत कर सर, बात करेगा ना दिमाग के ऊपर से जाएगा। प्रथम को देख, मार्केट के अंदर खो गया है, पढ़ ले थोड़ा,
मार्केट है अपने जगह में, जब गिर रहा था तब रो रहा था, अब बढ़ रहा है अफसोस कर रहा है, अफसोस कर रहा है, ले लेता तो कितना आज करोड़पति हो जाता। एक दिन अगर तू मेरे क्लास के सामने आएगा, ठीक है, तब पढ़ाई कर ना कर वो अलग बात है, तो मेरा उस टाइम पे तो एक ट्रक भरती पैसा लेके आएगा तो मैं समझूंगा तो जिंदगी में कुछ। हाँ, छोटा हाथी भी चलेगा, छोड़ के चला, नहीं छोड़ के नहीं, बस दिखा के, दिखाने के लिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस वो नारियल लेके आना, पूजा देके, ठीक है, एक बतासा दे देना, ठीक है, नकुल दाना भी चलेगा, ठीक है, ये सर मेरा एक ट्रक ट्रक पैसा हो गया, ठीक है, कुछ फायदा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पैसा लेके मरना है क्या, बस खाना पीना मिल जाता है काफी है मेरे लिए। देखो डेल्टा गामा थीटा, ठीक है, ये तीनों चीज हम लोगों ने देखा। वी आर नाउ एट ऑल सेट टू एक्सप्लोर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन ग्रिक, दैट इज भेगा। अब ये भेगा समझना इतना आसान नहीं है, ये भेगा जो है ये पूरा मार्केट वोलेटिलिटी पर डिपेंड करता है, ये समय लगेगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा वोलेटिलिटी बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एकदम बचपन याद आ जाएगा, कैसे, बचपन में आप लोग थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना, है ना, इवन जो लोग मोटा मोटी 12th तक थोड़ा बहुत मैथ्स किया, इवन आजकल तो 9th 10th में भी स्टैट होता है, हम लोग के टाइम पे नहीं देता था, आजकल 9th 10th में भी स्टैटिस्टिक्स देता है, उसमें भी वो मीन मीडियन मोड ऐसे पढ़ते थे ना आप लोग, ठीक है, उसके अंदर भी वो वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, उसके एक चीज आता था सिग्मा, सिग्मा माने SD स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत स्टैट कभी जिंदगी में पढ़ा है वो शायद ये बात समझ पा रहा है, कोई बात नहीं सर, जो SD नहीं जानता वो सिग्मा नहीं जानता, क्या वो डेविएशन नहीं समझ पाएगा, अरे वो भी समझ पाएगा सर, बिजनेसमैन का दिमाग लगाओ। बहुत लोग मेरे को पूछता है मेरा ना ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, मैं 12th तक पढ़ा हूँ, क्या मैं स्टॉक मार्केट समझ सकता हूँ, ठीक है, अब भी समझ सकता है, क्या है, धीरूभाई अंबानी तो 4th तक पढ़ा था, आज उसके कंपनी में लोग इतना बड़ा डिग्री लेके काम करने जाते हैं, वही चीज ना, मैंने इसके साथ ट्रेडिशनल एडुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, ये एप्लीकेटिव पढ़ाई है, तुमको अगर अप्लाई करना आ गया तुम्हारे एडुकेशनल बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, पॉइंट भी नोटेड सर, खेलना आना चाहिए, कोई भी बंदा है समझ सब कोई सकता है, बस उसको प्रॉपर एप्लीकेशन समझना है, ये खेलने का जगह है, एक मार्केट है, इसको नहीं समझ पाए, इसलिए तुम्हारा वो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन 7 पास है, 8 पास है, 9 पास है, फर्क नहीं पड़ता, तुम मास्टर डिग्री करके भी आए हो फर्क नहीं पड़ता, तुम सीख पाओगे कि नहीं इम्पोर्टेंट है। कल कपिल देव का एक चीज सुन रहा था, कपिल देव को जब कैप्टन बना रहा था तो ऑन दैट टाइम इंडियन सिलेक्टर्स लोग बोल रहे कि इसको तो इंग्लिश बोलना नहीं आता, इसको काहे को कैप्टन बनाए, तो कपिल देव ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले एक काम करो, इंग्लिश बोलने के लिए हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से प्रोफेसर लेके देना, मेरे को क्रिकेट खेलने बोल, मैं क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेलने जाऊंगा, इंग्लिश बोलने थोड़ी जाऊंगा, तो तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है तो तुम ज्यादा मार्केट समझ जाओगे क्या, कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, समझ रहे, आज कपिल देव को दुनिया कैसे जानता है। तो डेल्टा गामा थीटा, वी आर नाउ एट ऑल सेट टू एक्सप्लोर वन ऑफ द मोस्ट ऑप्शन ग्रीक वेगा, वेगा एज मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गेस्ड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम कंसर्निंग द चेंज इन वोलेटिलिटी, अनदर प्रीमियम का और एक खेल, थीटा हमें ये सिखाया था कि आज का प्रीमियम कल कितना चेंज हो जाएगा, मैं एक बार याद दिलाता हूँ थीटा क्या सिखाता है, इन सिंपल नोट पे, सिंपल नोट पे थीटा ये सिखाता है, जैसे अभी मानो 131 का मेरा 24,650 का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, जब मार्केट 24,604 में है, 24,604 में माने ये मेरा ATM है, माने 650, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, तो मोटा मोटी 650 को अभी ATM बता रहा है, मोटा मोटी 600-650 के बीच में जो भी है ATM स्ट्राइक माना, तो इसका प्रीमियम 134, थीटा कितना बता रहा है सर, -12, ठीक है, माइनस छोड़ो, बेसिकली ये थीटा यहां पर ये बताना चाहता है कि अगर ऐसा ही चलता जाए, अगर ऐसा ही चलता जाए, अगर बाकी सब चीज कांस्टेंट रहे, थीटा इन सिंपल आपका प्रीमियम वैल्यू नेक्स्ट दिन -11 हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट, मैंने कौन सा कॉल का, ATM का, क्योंकि हम लोग कौन सा एक्सपायरी का अप्रोच कर रहे हैं, 1st August, थीटा में हम लोग ये सीखे थे जितना टाइम ज्यादा रहेगा एक्सपायरी पे उतना प्रीमियम वैल्यू हाई रहता है, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आता है आपका प्रीमियम वैल्यू घटता रहता है, कुछ कॉमन गलती न्यू कमर करते हैं,
मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती न्यू कामर करते हैं। उसने मानो आज 129 या 130 में ये प्रीमियम परचेज कर लिया, अभी लिया, ये सोच के कि अभी मार्केट 24,650 चल रहा है ना, मार्केट कल 24,700 जाएगा, जा सकता है। लेकिन अगर मानो उस स्पीड में नहीं गया, 24,600 से 700 कल नहीं परसों हुआ, आपने 130 पे लिया और आपको लग रहा है कि आपका प्रीमियम जैसे जैसे 700 के तरफ जाएगा वैसे वैसे आपका प्रीमियम 130 से 140 या 150 या 145 कुछ भी जाएगा, तो आप पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट करके निकलोगे। लेकिन जैसे ही मार्केट कल खुलेगा ना, आपका ये प्रीमियम 10 पॉइंट में ज्यादा नहीं, 10 पॉइंट के नीचे स्टार्ट होगा। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो और नीचे जा सकता है, मैंने 10 क्या शायद 20-25 में चला जाए, नीचे और नीचे जा सकता है इफ वोलेटिलिटी। जैसे कि अगर तुम ऑब्जर्व करते हो लास्ट 3 दिन मार्केट कितना लोअर साइड वोलेटिलिटी था, बहुत ज्यादा था। मार्केट बजट डे में 24,400 से 450 से नीचे गिर के कितना गया था, 24,100। एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, अगर मार्केट 24,450 से 24,100 एक ही दिन के अंदर आ रहा है, सपोज आधा घंटा में आ गया, जब मार्केट 24,450 चल रहा था, आपका प्रीमियम चल रहा था मे बी 200 टका, एटीएम का बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ज्यादा अप डाउन जो होता है वो वोलेटिलिटी है। लेकिन ये वोलेटिलिटी का मतलब होता है डेविएशंस, कि मार्केट अपने मेन पॉइंट से, मतलब जहां मार्केट लास्ट क्लोज हुआ था उस क्लोजिंग पॉइंट से वो कितना अप और कितना डाउन जा सकता है। इन सिंपल वोलेटिलिटी का मतलब अप डाउन, कोई बोलता है वोलेटिलिटी माने अप डाउन, ये एक आधा सच है। वोलेटिलिटी माने अप डाउन नहीं, वोलेटिलिटी माने मार्केट कितना वोलेटाइल है, कितना डेविएट वो कर सकता है अपसाइड में डाउनसाइड में, इसका जो प्रॉपर कैलकुलेशन है दैट इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। तो सर ये जो -12 है ये आइदर प्लस हो सकता है या माइनस होगा? माइनस ही होगा। अच्छा, माइनस ही होगा, नॉर्मल अप्रोच माइनस होगा, प्लस हो सकता है लेकिन प्लस होना कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो ये आपको प्लस पड़ेगा तब प्लस होगा ना? हाँ, आपको प्लस नहीं दिखाता, ये माइनस में ही, ये माइनस पे दिखाता है क्योंकि ये आपका वैल्यू को समय के साथ साथ गिराता ही है। जितना एक्सपायरी होगा तुम्हारा प्रीमियम वैल्यू उतना गिरेगा। देखो अभी मार्केट, देखो 130 चल रहा था ना, 130 से 150 चला गया, देखते देखते 20 टका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि करंट मार्केट चल रहा है, अभी मार्केट लाइव है, ठीक है, लाइव मार्केट में मोमेंटम है, तो मोमेंटम के कारण मेरा प्रीमियम का ग्रोथ दे रहा है, ठीक है, प्रीमियम का ग्रोथ मुझे अभी दिखाई दिया, ठीक है, आप लोगों के आंखों के सामने हुआ है, क्योंकि बिकॉज आज मार्केट 600 के पार 650 के आसपास जा रहा है। मंडे को थोड़ा घट जाना चाहिए, अगर मोमेंटम रहे वो अलग चीज है। इफ एवरीथिंग इज कांस्टेंट, अगर मानो कि करंट सिचुएशन में मार्केट 600 से 650 रेंज में है एग्जांपल के तौर पे, और आपका प्रीमियम 150 में है, तो नेक्स्ट दिन ये 150 नहीं, थोड़ा कम ही होना चाहिए इफ देयर इज नो प्रॉपर मोमेंटम। तो अभी तो सर मार्केट में मोमेंटम है तो ये माइनस क्यों दिख रहा? कौन सा ये माइनस? एक्चुअली कितना चेंज हो सकता है वो दिखा रहा है। ये माइनस एक्चुअली जस्ट एक, ये एक्चुअली एक पॉजिटिव आइटम है। और मोमेंटम पुट के साइड में रहा, हाँ, तो भी वो भी तो माइनस में दिखा रहा है। हाँ, मैंने बेसिकली तुम्हारे प्रीमियम को घटाता है, पुट का प्रीमियम नहीं घटता है, पुट का प्रीमियम नहीं घटता है। नहीं नहीं, मैं बड़ा कमा का बात नहीं कर रहा हूँ, तुम आज होल्ड करके कल जब तुम छोड़ देते हो, ये मैं आज का बात नहीं कर रहा हूँ, तुम आज छोड़ देते हो। सपोज मैं क्या बोला, मैं आज का बात किया, अभी लाइव मार्केट का बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम प्रीमियम में आज खरीदा, तुमको तुम इसको रख दिए, पोजीशंस को रख दिए, तुमको लगा कि कल और बढ़ेगा, যদি মার্কেট পড়লে অবভিয়াস মার্কেট পড়লে ভাইস ভার্সা কাজ তো করে, মার্কেট 30 পয়েন্ট বাড়লো, হ্যাঁ প্রিমিয়ামের ভ্যালু সেই হিসেবে বাড়বে না, উঠ তো আরোই বাড়বে না। इसका मतलब क्या है?
মানে বেসিক্যালি এই যে বাড়ার চান্সটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে কারেন্ট মোমেন্টাম, যদি এটাকে আপনি রেখে দেন সময়ের সাথে সাথে স্পিড কমে যাবে। अब देखो तुम, हम लोग जब खेलते हैं ना तो अलग हिसाब से खेलते हैं, मैं समझाता हूँ। अभी प्रीमियम, यही प्रीमियम 151 है ना, जितना मैं तुम लोग को ऑब्जर्व करने बोलता हूँ, तुम लोग को पहले दिन में मैं बोला था ऑब्जर्व करो, तुम लोग करते नहीं हो, ऑब्जर्व नहीं करोगे तो ये सब समझ नहीं पाओगे। ये 1 अगस्त का एक्सपायरी है, तुम इसका प्रीमियम देखो कितना है 151, सेम डेट पे तुम इसका एक्सपायरी चेंज करो 8 अगस्त का करो, कितना चल रहा है सेम चीज का प्रीमियम, कितना चल रहा है, कितना चल रहा है सेम स्ट्राइक पे कितना प्रीमियम है 223। ज्यादा क्यों है फिर? क्योंकि क्योंकि 24,650 मार्केट का मानना है। सर अब कोई बोलेगा सर अभी तो 650 टच कर ही देगा, सर ये अभी अभी लाइव चल रहा है, ये इसके साथ कोई लेना देना नहीं है प्रॉपरली। मैंने कहने का मतलब है कुछ देर पहले तक भी ये चीज था, ये कम था, इसका प्रीमियम इससे कम था, लेकिन ये देखो जितना अप्रोच कर रहा है। तुम 24,650 का 8 अगस्त का तुम चेक करो, देखो सुबह से कितना चेंज हुआ इसका, एटीएम 700 में रहा है, थीटा भी कम 89%, इसका थीटा भी कम है ऑब्वियसली 89% चेंज हुआ, इसका जितना एक्सपायरी में जाएगा थीटा कम होता जाएगा, ऑब्वियसली थीटा कम होता जाएगा क्योंकि प्रीमियम इसका कम गिरेगा, इसका इसका प्रीमियम कम गिरेगा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है ना, टाइम ज्यादा रहने से प्रीमियम वैल्यू कम गिरेगा, टाइम कम होने से प्रीमियम वैल्यू ज्यादा गिरेगा। खूब लॉन्ग होगा खूब बेसी पार्ट टाइम वाला एक्सपायरी लेना चाहिए क्या 29 में? देखो थीटा और माइनस कम देखो माइनस 5 हो गया ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, पीछे मत लगो एक दूसरे का, समझने की कोशिश करो, तुम लोग चीज को समझो। एक्चुअली तुम कभी भी ना जब भी ट्रेड स्टार्ट करते हो उसको, ये एक बहुत प्योर कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है पूरा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि तुम थीटा में, मैं यही समझाया था आपको कि जितना मेरा टाइम कम होता जाएगा उतना मेरा प्रीमियम वैल्यू गिरता जाएगा। भले ही मार्केट, आप लोग मेरे को रोज एक चीज बोलते हो सर मार्केट में ग्रोथ है प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, सर आप एक्सपायरी डेट पे प्रीमियम का ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी परसेंटेज ग्रोथ देता है। सपोज प्रीमियम 50 पैसा का चल रहा है, अगर मार्केट में हल्का सा भी ग्रोथ देता है ना वही प्रीमियम 1 टका होता है। बट क्या है ना, आपको लग रहा है कि 50 पैसे का चीज 1 टका हुआ है, आपके दिमाग को स्ट्राइक नहीं करता, लेकिन आप सोचो तो 50 पैसे का चीज 1 टका माने कितना ग्रोथ है परसेंटेज में, आप कितना लॉट ले पा रहे हो, अब इसमें आप कितना लॉट लेते हो उस पर आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है, ठीक है, तब तुम कुछ देख पाओगे। लेकिन ये 50% ग्रोथ है, लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में नहीं घुसता है कभी भी। एक्सपायरी डेट पे जो लास्ट पॉइंट होता है, से फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूँ, मैंने जिसको छूने का चांसेस हाई होता है मार्केट का, सपोज से फॉर एग्जांपल की 650 मानो 1 अगस्त के, मैं समझाता हूँ आपको, फर्स्ट 6 दिन बाद बाकी है ना मार्केट, नेक्स्ट थर्सडे को एक्सपायर करेगा, अभी कितना चल रहा है 150, ठीक है, एक्सपायरी डेट के टाइम पे तुम देख रहे हैं इसका प्रीमियम वैल्यू एक्सपायरी के पहले दिन 20 टका 25 टका 30 टका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इवन अगर मार्केट में मोमेंटम है मानो 650 टच करेगा वो, 650 टच करेगा वो, तो शायद 20 से 25 25 से 30 थोड़ा सा टच कर दे, लेकिन अगर ऐसा मोमेंटम नहीं है वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर के शायद 50 पैसे में ट्रेड कर रहा होगा, अगर वो मार्केट से थोड़ा दूर है ना तो 50 पैसे में ट्रेड कर रहा होगा। अब अगर मार्केट में 100 पॉइंट्स का मोमेंटम रहेगा ना, सपोज मार्केट 24,650 टच करना चाहिए आपका स्ट्राइक है, लेकिन मार्केट ट्रेड कर रहा है 24,550 में, 100 पॉइंट नीचे है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अब तो ओटीएम हो गया ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट अगर 100 पॉइंट में बढ़े तो मेरा प्रीमियम ग्रोथ होगा, ये 100 पॉइंट पे बढ़ेगा तो आपका 50 पैसा हार्डली 1 टका में जाएगा, वो भी डिपेंड करता है डेल्टा पे, क्योंकि 100 × 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, 50 पैसा ना, 50 पैसा, तो अभी अगर आपका प्रीमियम चल रहा है 50 पैसा, तो मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका 50 पैसा का प्रीमियम 1 टका होगा, तो 550 से 650 जाएगा, इसका चांसेस क्या है कम हो रहा है ना, इसलिए आपका प्रीमियम चार्जेस कम हो रहा, लेकिन उसमें भी रिटर्न मिलता है, करोड़ों का वैल्यू रहता है एक्सपायरी डेट पे, अगर
पांच पांच पैसे भी लोग पैसा रहते, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का वॉल्यूम रहता है एंड मोमेंट में, एंड मोमेंट में क्यों, लेकिन वो लोग बल्क अमाउंट में खेलते हैं, वो भी रिस्क लेके बल्क अमाउंट में, 50 का चीज 60 पैसा होगा 10 पैसे में खेल लेगा, लेकिन उतना हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो हम लोग इसलिए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इतना सोचते नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, जब मार्केट में एक रेगुलर मोमेंटम हो, मार्केट जब लिक्विड हो, मार्केट जब प्रॉपर्ली लिक्विडिटी है मार्केट में, तब हम लोग कोशिश करते हैं खेलने का, ठीक है। सो प्रीमियम को अगर नॉर्मली छोड़ दो और समय अगर नॉर्मली निकलता जाए, धीरे धीरे प्रीमियम का वैल्यू कम होगा, यही हमें थीटा बताता है, इसे टाइम डीके कहते हैं। डीके का मतलब होता है जेटा खोय प्राप्त हो, इसीलिए प्रीमियम में ज्यादा प्रीमियम में लेने के बाद हम ये सोचते हैं कि कल इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। सर बढ़ेगा अगर मोमेंटम है, लेकिन अगर तुम नॉर्मली छोड़ दो तो प्रीमियम का वैल्यू थोड़ा गिरेगा ही। क्यों गिरेगा, ये मार्केट के साथ नहीं, ये थीटा के साथ है। मार्केट की मोमेंटम है तो फिर थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, आपको प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, वो थोड़ा बैलेंस होगा, लेकिन ओवरऑल थीटा तुमको धीरे धीरे नीचे ही लेके आएगा। মানে ধরুন আপনি একটা লট 200 টাকায় নিয়ে ফেলেছেন, ঠিক আছে, কিন্তু পরের দিন আপনি দেখছেন ওই 200 টাকার প্রিমিয়ামটা 200 টাকা প্রিমিয়াম 100 মে চল রে, তো এক লট মে 200 টাকা দাম থা, আপ জব আপনি 100 মে লিয়া তো টোটাল হো গিয়া 300, अब 300 भाई तो करके तुम आपका एवरेज कितना हो गया 150। अब जितना लॉट ज्यादा कर पाएंगे और थोड़ा दाम कम में अगर आपको मिल रहा है और आपको बिलीव है कि मार्केट में मोमेंटम है, तो आप कॉस्ट को कम कर सकते, लेकिन तभी कॉस्ट को कम करना, इफ यू हैव अ फर्म बिलीव कि मार्केट में ग्रोथ आएगा। अगर आपको ये बिलीव नहीं है तो फालतू में और 5 टका भी खर्चा ना करो, ऐसे एवरेज करते करते नहीं तो क्या होता है ना, अगर मोमेंटम नहीं है तो बंदा फंस जाता है। सो डोंट वरी, अब धीरे धीरे मैं आपको भेगा की तरफ लेके जा रहा हूं। ये भेगा एक्चुअली वोलेटिलिटी सिखाएगा, नॉर्मल थीटा हमें बस इतना सिखा रहा था कि समय के साथ साथ मेरा प्रीमियम वैल्यू गिर जाएगा, थीटा बस इतना बताता है, लेकिन भेगा हमें उससे भी बड़ा पिक्चर बताता है कि वोलेटिलिटी के बेसिस पे प्रीमियम कितना बदल सकता है। जब एक साथ सब चीज कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक समरीटिकली सब चीज फिर से बताऊंगा कि डेल्टा को क्या चेक करना है, गामा को कैसे देखना है, भेगा को कैसे देखना है, और सब एक साथ बताऊंगा। जब एक साथ बताऊंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठेगा। अभी अलग अलग सीख रहे हैं क्योंकि इसका अभी स्पेशलाइजेशन चल रहा है, फिर बाद में उसको एक साथ करेंगे, तो आपका वो जो मन में थोड़ा चल रहा है ना कि इतना सारा चीज कैसे याद रखे, हो जाता है। सर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया था कि पहले तो साइकिल में चढ़ना ही मुश्किल था, फिर बाद में हैंडल, साइकिल में चढ़ के फिर हैंडल पे देखते थे, फिर बड़ा लोग क्या बोलता था जो सिखाते थे, ए सामने देख हैंडल पे क्या देख रहा है, पेटल पे देखते हैं, ऐसे साइकिल में बैठ के पेटल पे देखते हैं। तो स्टार्टिंग में आप शायद डेल्टा को ही देख रहे हो, डेल्टा भेगा को देख रहे हो, फिर लास्ट में जब सीख जाओगे तो सब सामने देखोगे, डेल्टा गामा थीटा आंखों के सामने रहे, ठीक है, छोड़ देगा, है ना। अच्छा, तो प्लीज टेंशन मत लिया करो, प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे नहीं प्लीज। हाँ, इसका फिर रिजल्ट पे ही चिंता है इसका। পয়সা আসল, কিন্তু যে পয়সার পেছনে দৌড়ায় পয়সা তার জন্য নয়, যত পয়সার পেছনে দৌড়াবি পয়সা তোর থেকে আরো সামনে চলে যাবে, তুই পাবিই না পয়সা, তুই মিলিয়ে নিস কথাটা, তুই যেদিনকে পয়সার পেছনে দৌড়ানো বন্ধ করবি সেদিন পয়সা তোর কাছে আসবে, প্রসেসে ধ্যান দিই না ওই জন্য পয়সা দূরে সরতে, প্রসেসে ধ্যান দে পয়সা তোর কাছে আসবে, তুই পয়সার চিন্তা করা বন্ধ কর। তোকে বলছি না, আমি নিজেকেও বলি, কারণ পয়সার জন্য সবাই দৌড়াই আমরা, তাই তো, লেক গার্ডেন থেকে আসে ও, সেই সাউথ সিটি মল, আচ্ছা। So volatility, I've asked the question to quite a few traders and the most common answer is volatility is the up-down movement in the stock market. ये common answer है सबका। ये volatility क्या है? ना up-down movement in the stock market। ये आधा सच है।
पूरा सच नहीं है. सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वोलेटिलिटी रियली मींस, अंडरस्टूड हाउ टू मेजर वोलेटिलिटी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ वोलेटिलिटी, अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोलेटिलिटी एंड अंडरस्टैंड वेगा. वेगा लास्ट में आएगा, उससे पहले तो वोलेटिलिटी समझते समझते माथा का जितना बाल है मेरे जैसा ना चला जा सके. सर बद्दुआ मत दो, आपका गया है, आप क्या चाहते हो, साथी चाहते हो क्या? मनी बॉल, हैव यू वॉच दिस? अच्छा ये मनी बॉल एक मूवी था, इस मूवी का एक छोटा सा कहानी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या था. बेसिकली कुछ दोस्त था, खेलता था, ठीक है. द मूवी इज अबाउट बिली बिन एंड हिज यंग कोलीग एंड हाउ दे लेवरेज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू आइडेंटिफाई रिलेटिवली लो प्रोफाइल बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर. मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि एक कोच अपने टीम के लिए प्लेयर ढूंढ रहा है, ठीक है. तो उसमें प्लेयर ढूंढने के टाइम पे वो ये सोच रहा है कि हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक ऐसा प्लेयर टीम पे चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो कैसे वो ढूंढेगा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर, ठीक है. जैसे हम लोग क्रिकेट के साथ इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बेसबॉल नहीं समझते, क्रिकेट ज्यादा समझते हैं. ए मेथड दैट वॉज अनहर्ड ऑफ ड्यूरिंग दिस टाइम एंड अ मेथड दैट प्रूव्ड टू बी बोथ इनोवेटिव एंड डिसरप्टिव. ये मूवी में अगर आप चाहो तो मनी बॉल गूगल यूट्यूब करके चेक कर सकते हो, आपको मिलेगा. ऐसे जिसको थोड़ा सा शौक है, ठीक है. इस मूवी में ब्रैड पिट था, जो फेमस हॉलीवुड एक्टर है ना सर. लेकिन इस मूवी में हुआ क्या था, मैं आपको कॉन्सेप्ट में स्टैटिस्टिकली सीधा पहुंचता हूं. ये अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट दो मिनट बाद यही चीज स्टॉक मार्केट से पूरा रिलेट हो जाएगा. जैसे आप लोगों को पता है कि ऐसा हर चीज का एक अलग कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं सीधा स्टॉक मार्केट में बोलूंगा तो कनेक्ट करने में दिक्कत हो सकता है. इसलिए पहले थोड़ा सा क्रिकेट या फुटबॉल या बेसबॉल से समझ लो, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे पॉइंट में जाते हैं. कंसिडर टू बैट्समैन, दो बैट्समैन चूज करो एंड द नंबर ऑफ रन दे हैव स्कोर्ड ओवर सिक्स कंसेक्यूटिव मैचेस, ठीक है. मैंने लास्ट छह मैच में वो लोग कितना रन बनाया ये देखना है. वोलेटिलिटी समझ रहे हैं इसका, 1 2 3 4 5 6 बिली, बिली का रन देखो 20 23 21 24 19 23, माइक का रन देखो 45 13 18 12 26 19, ठीक है. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक मैच खेलाना है जिसमें कौन सा प्लेयर बेस्ट होगा मैच के लिए वो चूज करना है. रन दोनों ने बनाया, अब चेक करना है इसका एवरेज करना है. अब मैं आप लोगों को बोला था ना कि बचपन याद आएगा थोड़ा. यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम एंड यू नीड टू चूज आइदर बिली और माइक, या तो बिली को लेना है या तो माइक को लेना है. सेवेंथ मैच है, द बैट्समैन शुड बी डिपेंडेबल, ऐसा बैट्समैन लेना है जो रन बनाएगा मैच के लिए. अब बिली और माइक में किसको लेना है ये चैलेंज है टीम के लिए. तो स्टॉक मार्केट से इसका क्या लेन देन है, ऐसा लग रहा है हम डिबेट हो रहा है. नहीं सर, स्टॉक मार्केट में लेन देन है, आपका कोई फाइनेंशियल गोल है, किसी एक स्टॉक में पैसा लगाना है, सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगा सकते. तो किसको चूज करोगे, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक्स वोलेटिलिटी, ये चूज करना है कि कौन सा स्टॉक आपको पैसा देके जाएगा, ठीक है. क्योंकि सबका एक फाइनेंशियल गोल है ना आपका, उस गोल के लिए तो आते हो, है ना. हाँ आज से ऑब्वियसली आज सीजन निश्चित है. अच्छा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो अब यहां पर पॉइंट है, बैट्समैन यू चूज शुड बी इन ए पोजीशन टू स्कोर एटलीस्ट 20 रन्स, जो कम से कम 20 रन बनाए. अब रन को मार्केट में 20 पॉइंट समझ सकते हो, कि कम से कम मैं एक ऐसा स्टॉक चूज करूं जो मुझे 20 पॉइंट दे दे. एग्जांपल के रूप में अगर मैं स्टॉक में बात करूं, से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, देखो आज गिरा है क्योंकि थोड़ा सा फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन कल इसका मूव अच्छा था. कल एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा पॉजिटिव प्रॉफिट दिया था, ये देख सकते आप, मोटा मोटी 1590 में चला गया था, फिर वहां से 1624. तो किसी एक पर्टिकुलर डे में अगर आप कोई स्टॉक को चूज कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए, तो एक दिन में वो कितना रन बना सकता है. तो जैसे यहाँ पर ये एचडीएफसी ने कितना रन बनाया, कम से कम 30 रन बना दिया, बना ना 30 रन कल, लेकिन आज गैप डाउन देके आज मोटा मोटी आज रन नहीं स्कोर नहीं कर रहा है, ठीक है. तो वही चीज है कि एक पर्टिकुलर डे में हम लोग डेली बेसिस में स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डे में भी हमारे पास अगर ठीक ठाक अमाउंट है तो हम स्टॉक में पैसा लगा के कैश मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं. आपको डेली बेसिस में ऑप्शंस में पैसा लगाना है ऐसा कोई माथा का दिप भी नहीं है, ठीक है. जिस दिन ऑप्शन मार्केट समझ में नहीं आएगा कैश मार्केट में करो, क्यों सारा दिन ऑप्शंस के पीछे भागो. हफ्ते में एक दिन ऑप्शंस करो, दो दिन कैश में करो, कैश में तो आपका
पैसा पूरा खत्म, कैपिटल खत्म होने का चांसेस तो नहीं है ना, जितना लगाओगे आपका रहेगा। ट्रेड करो, खरीदो बेचो। जैसे कि कल अगर किसी ने मानो 10 शेयर लिया, मानो 16,000 टका इन्वेस्ट किया, 10 शेयर लिया, 16,000 टका इन्वेस्ट कर, मैंने 1600 × 10 मैंने 1592 × 10 कितना खर्चा किया HDFC बैंक में, 1590 है ना, या 1592। ये मोटा मोटी कहां तक गया था, जब तक ये बियरिश इंगल्फिंग नहीं बना था, ठीक है ना, 15,920। जब तक ये बियरिश इंगल्फिंग नहीं हुआ तब तक तो होल्ड कर सकते थे। टेक्निकल चीजें देखो सर, जब तक बियरिश इंगल्फिंग बन रहा है तब तक होल्ड कर सकते हो। चलो किसी ने बोला कि सर हम जब तक इंगल्फिंग नहीं बने तब तक होल्ड किए, फिर भी तुम 1620 टका में बेच सकते हो। अगर तुम 24 में नहीं बेचे तो 20 में तो निकाल ही सकते हो रे बाबा, जब तक इंगल्फिंग बना है। तो 1620 माने तुमने कितना प्रॉफिट किया बोलो, 280 28 ना, 28 × 10 है ना, 28 × 10 तो 280 टका तुमने इन्वेस्ट कितना किया था, 15,920, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कर लिया, 280। तुम परसेंट 10 शेयर ना, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट कितनी है, 92 × 20 28 टका, हाँ 280 होगा सर। तो तुमने 300 टका अप्रोक्स तुमने प्रॉफिट किया ना 15,920 लगा के। तो धीरे धीरे तुम्हारा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, तुम चाहो तो 300 टका प्रॉफिट करके निकल भी सकते हो, लेकिन फिक्स्ड इनकम है ना, खराब क्या है, अरे कुछ भी खराब नहीं है। परसेंटेज करके देखो, ऑप्शंस के सामने बड़ा छोटा लगता है तो लोग सोचते हैं कि ये क्या ही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब तुम ऑप्शंस में गवाने से तो अच्छा है रे बाबा, जिस दिन मार्केट समझ में नहीं आएगा ऑप्शंस मार्केट, उस दिन तुम ऑप्शंस में ट्रेड मत लो। जिस स्टॉक में कल टाटा मोटर्स देख लो, टाटा मोटर्स का कल का मूव देखो, देखो टाटा मोटर्स कल फिर से HDFC आ गया, देखो कल का टाटा मोटर्स देखो 997 से 1110 तक गया है, कम से कम 100 टका के ऊपर पर शेयर में मूवमेंट दिया है। अगर एक दिन में भी तुमको होल्ड करके निकलना है निकलो ना, खराब क्या है। मैं प्रीमियम में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम की बात तो कर ही सकता हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अगर तुमको सिंपल रन स्कोर करना है तुम कर सकते हो। तुम लोगों में ऑप्शन ट्रेडिंग से डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मेरा कहने का मतलब है कि आपका पैसा आपका है, जिस दिन ऑप्शन मार्केट समझ में नहीं आएगा उस दिन आप कैश मार्केट में ही खेलो ना, आपका पैसा आपका रहेगा। मैंने कहने का मतलब है अपने आप को थोड़ा सा ना मैंने सिंपल रखो, कैसे मोमेंटम आछे माने ऑप्शन ऑफ मोमेंटम आछे, ওইটাই তো বললো, টাকা কোটাই তো বললো, কেসে অত টাকা না থাকলে, হ্যাঁ বলো, প্রিমিয়াম বাড়বে না, সেই হিসেবে বাড়বে না, বাড়বে না, এক্সপায়ারিতে বাড়বে না। যেমন ও যেটা বললো আমি চলো দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনি টাটা মোটরসের অগস্টের 1100 কল অপশন, ঠিক আছে, 1000 কত নেব, 1060 নেব, চলো 1060 কা কল অপশন দেখি, কাল কা মোমেন্টাম দেখো, 20 রুপিস কা প্রিমিয়াম থা, 20 রুপিস কা প্রিমিয়াম 65 তক গিয়া, ये कल का ही मोमेंटम है। कल जब टाटा मोटर का ग्रोथ था उसी टाइम पे वो सेम टाइम में प्रीमियम में ग्रोथ दे रहा था, लेकिन तुम यही टाटा मोटर्स को आज देखो, आज का मोमेंटम कितना है, एट है ना, यही कैंडल टाइम लाल देखे ना, 54 चिलो 60, कल के मतलब मोमेंटम नहीं, কালকে থেকে কম, কিন্তু এখন এক্সপায়ারি বাকি আছে, তো এখন এতে মানে মোটামুটি লিকুইডিটি থাকবে। এবার আপনি এটাকে অবজার্ভ করুন, লিকুইডিটি মানে এক্সপায়ারি যেতে যেতে এটার কি সিচুয়েশন দাঁড়াচ্ছে, অবজার্ভ করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন কি মানে লাস্টে গিয়ে কি হয়, ঠিক আছে।
बट एक चीज सुबह ही बोल रहा था कि अगर आप स्टॉक में ऑप्शंस में ट्रेड करोगे कभी भी एक्सपायरी तक होल्ड मत करना, बहुत बड़ा बैम्बो हो जाएगा। फिजिकल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैंने अगर आपने 100 शेयर लिया या जितना भी इसका कितना होता है टाटा मोटर्स का 550 क्वांटिटी 550 का शेयर है ना, अगर आप अभी 64 में लेते हो जो आपका वैल्यू मांग रहा है 35,000 समथिंग कुछ मांग रहा है, ये वैल्यू आप दे रहे हो ये आपका मार्जिन है, ठीक है, दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मैंने 550 × 64 करने से जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, सॉरी 550 × शेयर का था, स्पॉटेड को था ही बोल थी मैंने, बेसिकली मतलब नहीं जो शेयर का प्राइस है 1000 मतलब 1100 शेयर है रखन दाम कत चल 1100 टाटा मोटर्स का अभी दाम कितना चल 1100 ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मानो आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो इसको, एक्सपायरी वाले दिन का आप बोल रहे हैं एक्सपायरी, हाँ एक्सपायरी तक आप होल्ड करते हो और पोजीशन क्लोज नहीं करते हो तो ऐसे किस में फिजिकल सेटलमेंट आ जाएगा, मैंने पूरा 1100 करके 550 शेयर का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, उसके बाद सेलर के साथ सेटलमेंट होगा फिर जाके बाकी पैसा वापस करेगा। तो कभी भी स्टॉक में अगर ट्रेड लेना है फिजिकल सेटलमेंट के, कोई भी स्टॉक जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग है उसका फिजिकल सेटलमेंट के चक्कर में मत पड़ना, एक्सपायरी तक कभी भी होल्ड मत करना, एक्सपायरी से कम 2-4 दिन पहले ही अगर पॉसिबल हो तो निकल जाओ, ठीक है, एक दिन पहले भी हो तो निकल जाओ, लेकिन एक दिन पहले लिक्विडिटी कई बार कम हो जाता है। मैंने स्टॉक इज नॉट लाइक निफ्टी, स्टॉक इज नॉट लाइक बैंक निफ्टी, लिक्विडिटी इशू हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी इशू के कारण बायर को सेलर नहीं मिलता, सेलर को बायर नहीं मिलता, या फिर जो रेलिवेंट प्राइस आप मांग रहे हो वो प्राइस नहीं मिलेगा। इसलिए स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए बस 2-4 चीजें फॉलो करना है, धीरे धीरे समझ जाओगे, हड़बड़ नहीं करना है इसलिए, ठीक है। अच्छा क्यों बोल दिया अभी, क्योंकि अभी मैं आपको एक ल्यूक्रेटिव चीज दिखाया जो देख के किसी को भी थोड़ा लालच आ जाएगा, भाई कल अगर टाटा मोटर्स लेते तो आज तो सोने के तकिए पे सोते है ना, लेकिन पॉइंट इज दैट कि इसका क्रॉस कौन सब समझो, मार्केट में आपको ऐसा मौका रोज कोई ना कोई देगा, रोज कोई ना कोई जरूर है जो आपको ऐसा मौका रोज देगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए आपको बस ऑब्जर्व प्रॉपर करना है, आप पहले ऑब्जर्वेशन सीख जाओ उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप को कन्वर्ट करो, बिना ऑब्जर्वेशन में ये क्या हो गया आज ही बन जाता सोना का बालिश, ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट, समय दो, वोलेटिलिटी समझो। अभी TCS तो देखिए सिलम भूले गए, कल टाटा मोटर्स से बाढ़ में तार पूरो रीजन छिल, आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो सर सुनो देखो, तो बेसिकली हमें एक ऐसा प्लेयर ढूंढना है जो उस दिन 20 रन बना सकता है, आप इसको प्लेयर सोच रहे हो आप दिमाग में स्टॉक को भी समझ सकते हो, नो इश्यू विद दैट। क्या करना है सर, कैलकुलेट दी टोटल स्कोर आल्सो कॉल्ड सिग्मा, टोटल स्कोर कैलकुलेट करने को सिग्मा कहते हैं, ये थोड़ा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, लेकिन इसके बिना ना मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगा, वो भेगा का कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे ये बताना पड़ेगा आपको। और कैलकुलेट दी एवरेज का मतलब होता है मीन, मीन माने टोटल करके उसका एवरेज करना, सिंपल है। बिली का सिग्मा कैसे होगा, जो टोटल रन बिली बना रहा है 6 मैच में 130 उसका सिग्मा है, माइक का सिग्मा कितना है, जो टोटल रन वो 6 मैच में बना रहा है 133, ये बिली और माइक का क्या बन गया, सिग्मा बन गया। अब इसे एवरेज करेंगे, एवरेज करने से स्टैटिस्टिक्स ना, सिग्मा माने होते टोटल और मीन माने होते एवरेज, सिग्मा माने टोटल और मीन माने एवरेज, ठीक है। अब जो टोटल रन बिली ने बनाया उसको डिवाइडेड बाई 6 करो, तो मोटा मोटी बिली का पर डे का स्कोर कितना हुआ 21.67, माइक का कितना हुआ 22.16 सर, तो फिर इसी एंगल से तो देखा जा रहा है कि चांसेस इज वेरी हाई कि माइक अच्छा रन बनाए, मैंने 20 रन बनाएगा इसका डिपेंडेंसी ज्यादा है ना, लेकिन ऐसे नहीं होता है, थोड़ा और अप्रोच देखना है। सो इट सीम्स फ्रॉम बोथ द मीन एंड सिग्मा पर्सपेक्टिव माइट डिजर्व्स टू बी सिलेक्टेड, बट लेट अस नॉट कंक्लूड दैट येट, यहीं पर खत्म नहीं करते, और भी चीजें देखना पड़ेगा, ठीक है। तुम यहाँ पर बिली और माइक को एक स्टॉक की तरह भी फील कर सकते हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट वाला फील लाने के लिए। रिमेंबर द आइडिया इज टू सिलेक्ट अ प्लेयर हु कैन स्कोर एट लीस्ट 20 रन, and with the information that we have now, mean and sigma, there is no way we can conclude who can score at least 20 runs. Therefore, let's do some further investigations. कैसे करेंगे? We know Billy का mean है 21.67. हमें ये पता है ना?
बिली का मीन है 21.67 एंड इन हिज फर्स्ट मैच बिली ने स्कोर किया था 20 रन. अगर तुम स्टैटिस्टिक्स जो पहले था बिली ने स्कोर किया था 20 रन. देयरफॉर डेविएशन फ्रॉम द मीन कितना है? फर्स्ट मैच में बंदा ने 20 रन बनाया, उसका एवरेज है 21.67, तो फिर उसका डेविएशन कितना हुआ? -1.67. माने उसका एवरेज जो ताकत है उससे वो 1.67 रन कम बनाया है फर्स्ट मैच में. इन अदर वर्ड्स ही स्कोर्ड 1.67 रन लेसर देन हिज एवरेज स्कोर. फॉर हिज सेकंड मैच उसने 23 रन बनाया, उसने 23 रन बनाया, अपने एवरेज से वो कितना ज्यादा बना दिया 1.33. इसका मतलब 1.3 रन मोर देन हिज एवरेज ने उसने बनाया. अब यहां पर हम लोग चेक करेंगे बिली का वोलेटिलिटी, ठीक है. सीरीज एवरेज है उसका कितना है 21.67. देखो फर्स्ट मैच में 1.67 कम बनाया, इसलिए देखो एरो इधर आ गया, ये उसका एवरेज है. ये जो 21.67 है ना, ये इस एरिया को कवर करता है. अब यहां से वो जितना नीचे आ रहा है ये इसका लोअर स्कोर है, जितना ऊपर जा रहा है वो उसका अपर स्कोर है. फिर देखो ऐसा करते करते हर मैच का तुम इस तरह का चेक करोगे, ठीक है. अपर लेवल में कितना जा रहा है, लोअर में कितना जा रहा है, माने मेन पॉइंट से वो कितना डेविएट कर रहा है, मेन पॉइंट से वो कितना डेविएट कर रहा है अपर साइड में एज वेल एज लोअर साइड में. इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है चाहे निफ्टी हो या स्टॉक, ठीक है, जब ये रेगुलर बेसिस में वो मार्केट में चलता है तो उसका एवरेज पॉइंट से तुम 10 दिन का एवरेज कर लो, 20 दिन का एवरेज कर लो, और फिर तुम कैलकुलेट करो कि लास्ट 10 दिन में वो कितना अपर साइड में और कितना लोअर साइड में आया है. इससे तुमको ये पता चलेगा कि मार्केट उसका कहां से किसके बीच में रहना चाहता है. तो ये एक स्टॉक या निफ्टी जो भी आप चूज कर रहे हो, 10 दिन का एवरेज, 20 दिन का एवरेज, एक साल का एवरेज, कि लास्ट एक साल में ये कितना डेविएट करने का चांसेस है इसका, तेरा डिपेंड करता है अभी किधर होने ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं. छोटे काटो बने शॉर्ट पीरियड के लिए देख रहे हो तो शॉर्ट पीरियड का देखो, लॉन्ग पीरियड का देख रहे हो तो लॉन्ग पीरियड का देखो. तो बेसिकली एवरेज प्लेज वाइटल रोल. एग्जैक्टली एवरेज प्राइसটা বের করে ডেভিয়েশনটা খেয়াল করতে হবে কি ওর এভারেজ থেকে কত ডেভিয়েট করছে. বাট এখনো সেস হয়নি, এটা আরো ফার্দার স্ট্রং অ্যাপ্রোচ আছে. মিডল ব্ল্যাক লাইন রিপ্রেজেন্ট দ্য এভারেজ স্কোর অফ বিলি এন্ড দ্য ডাবল অ্যারোড ভার্টিক্যাল লাইন রিপ্রেজেন্ট দ্য ডেভিয়েশন ফ্রম দ্য মিন. ফর ইচ অফ দ্য ম্যাচ প্লেড উই উইল নাও গো অ্যাহেড এন্ড ক্যালকুলেট অ্যানাদার ভেরিয়েবল জিসকো বলতে হ্যায় ভেরিয়েন্স, ঠিক হ্যায়. বচপন ইয়াদ আয়েগা স্যার, ঠিক হ্যায়. जो लोग बचपन में थोड़ा सा भी स्टार्ट पढ़ा है या याद है वेरिएंस, ज्यादा लोड मत लो, जस्ट समझो कि हो क्या रहा है, फिर आगे आपको मैं मार्केट में समझा दूंगा. वेरिएंस इज सिंपली द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. कैसे होता है इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका होता है, प्लस माइनस डिवाइड तो सबको बता रहे होगा, अरे ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे. उसका फर्स्ट मैच का कितना डेविएशन था 1.67 है ना, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे. सेकेंड मैच का डिविजन था 1.33, ठीक है, उसको टू दी पावर 2 करेंगे. ये जो ये है ना, इसको बोलते हैं ये होल स्क्वायर बोलते हैं इसको, ठीक है. इसको यहाँ पर ऐसे एरो देके लिखा है, कंप्यूटर में लिखा है ना, कंप्यूटर में डायरेक्टली पुट नहीं होता है, एरो देके ही भी कर, ठीक है. तो 1.67 का होल स्क्वायर, 1.33 का होल स्क्वायर, 0.67, जो जो डेविएशन हुआ है उसका मेन एवरेज से हर किसी का टोटल करके माने प्लस करते रहो और स्क्वायर करते रहो 6 मैच का, फिर जो आया उसको डिवाइडेड बाय 6 कर दो. ऐसा करने से टोटल आ रहा है 19.33, उसको डिवाइडेड बाय 6 करने से आ रहा है 3.22, ठीक है. ये जो 3.22 आया दिस इज कॉल्ड वेरियंस, ठीक है. स्टैंडर्ड डिविएशन बने रूट ओवर ऑफ वेरियंस, ठीक है. स्टैंडर्ड डिविएशन बने रूट ओवर ऑफ वेरियंस, हाँ सर, रूट का वैल्यू हाफ होता है, वेरी गुड सर. तो वी विल डिफाइन अनदर वेरिएबल कॉल्ड एसडी, एसडी माने स्टैंडर्ड डेविएशंस. ये आपको ये एसडी का वैल्यू देता है आपका ये सेंसिबल एंड सॉफ्टवेयर होता है ना, इसमें ये एसडी वैल्यू होता है. वहां पर डायरेक्ट एसडी वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगा, ये एसडी वैल्यू से क्या कंक्लूजन निकालोगे आप ऑप्शंस का,
यही चीज समझाने के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं सीधा एक एक चीज दिखाते ये एसडी होता है प्लस टू माइनस टू, मेरा काम खत्म हो जाता। लेकिन उस तरह से सिखा के क्या करेंगे सर, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं दे पाए तो मैं अपने आप को रात को सो नहीं पाऊंगा, ठीक है? तो प्लीज समझो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरियंस। अब वेरियंस का रूट लगाना का बचपन में सीखे थे ना थोड़ा सा, हाँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रूट मैंने जो भी वैल्यूएशन आया 3.22 को बस कैलकुलेटर में रूट दबाओ, 3.22 लिख के रूट दबाओ, स्क्वायर रूट ऑफ 3.22 करो या फिर हाफ करो, रूट लगाना बेस्ट है, ठीक है? तो 1.79 आएगा, ये इसको बोलते हैं एसडी। अब ये जो 1.79 आया इससे क्या पता चला देखो, अच्छा जैसे हम लोगों ने बिली का किया सेम टू सेम माइक का भी करके पता चला, माइक स्टैंडर्ड डेविएशन 11.18, जैसे सेम टू सेम तरीका से। लेट्स टेक अप ऑल नंबर्स हियर, जैसे सिग्मा क्या था बिली का 130, माइक का क्या था 133। देखो हम लोग भी समरी कर रहे हैं, चीजें ऑटोमेटिकली छोटा होते जा रहे हैं। इसका मीन कितना था 21.6, इसका मीन कितना था, मीन मैंने एवरेज रखा, मैंने एवरेज एक स्टॉक कितना तुम्हें डेली बेसिस में देता है, मैंने उसका ओवरऑल ग्रोथ क्या है, अब ऐसे समझो। एसडी कितना है बिली का 1.79, माइक का कितना है 11.18, इसका थोड़ा ज्यादा ही निकला है सर, जो निकला है वही कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, होमवर्क है, ठीक है? नाउ हमें क्या क्या डेटा मिल गया, हमें सिग्मा मिला, हमें मीन मिला, हमें एसडी मिला। वी नो दैट व्हाट मीन एंड सिग्मा सिग्निफाइज, मीन माने एवरेज, सिग्मा माने टोटल, बट व्हाट अबाउट एसडी, यही एक्चुअली हमें ऑप्शन मार्केट में काम आता है। लेकिन बिना सिग्मा और बिना मीन का एसडी नहीं निकाल पाते, इसलिए मुझे एसडी बताने के लिए आपको एवरेज और उसका मीन बताने का जरूरत पड़ा। समझ में आ रहा है ना प्रथम, इतना उबासी काय ले रहा है, इतना बोर कर रहा हूं मैं, हाँ? स्टैंडर्ड डेविएशन जनरलाइज, देखो देखो एसडी क्या कहता है ये तो समझो, तब ना जाके मैं तुमको एसडी दिखा पाऊंगा, ठीक है? जब आप तुम किसी ये स्ट्रेटेजी बना के देते हैं ना आप स्टॉक्स वाले सेंसिबल वाले, उसमें तुम जैसे ही क्लिक करोगे मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, उसमें देखना जो भी स्टॉक इतना आप जा सकता है इतना डाउन जा सकता है और उसमें एसडी वैल्यू दिखाता है, ठीक है? तो उसको समझने के लिए ये एसडी समझना जरूरी है, नहीं तो बोलेगा कि हम लोगों को मैथ सिखा रहे हैं, अरे मैथ्स थोड़ी सिखाना है मुझे, मैथ्स के लिए सीए का मैथ्स का अलग क्लास चलता है। स्टैंडर्ड डेविएशंस आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशंस को ना ऐसे ग्रीक लेटर सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है सर, वो सिग्मा ये सिग्मा अलग है, वो सिग्मा का मतलब टोटल था और ये सिग्मा ग्रीक का एक साइन, ठीक है? जैसे डेल्टा गामा थीटा वैसा ही सिग्मा। तो यहाँ पर कई जगह में हम लोग एसडी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे, अगर ये वाला स्ट्रेटजी बोल रहे हैं, हाँ, स्ट्रेटजी के अंदर एसडी का वैल्यू दिखाता है, दिखाऊंगा, डोंट वरी, आप अभी पीछे मत पड़ जाओ, पहले सीख। सिग्मा इज ए मेजर दैट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ सेट ऑफ ए डेटा वैल्यूज। बहुत सिंपल है सर, आप लोग बस प्लीज बने रहो, देखो दिमाग में घुस जाएगा। वन वे टू यूज एसडी इज टू प्रोजेक्ट हाउ मेनी रन बिली एंड माइक आर लाइकली टू स्कोर इन द नेक्स्ट मैच, मैंने एक्चुअली नेक्स्ट मैच में बिली या माइक कितना स्कोर कर पाएगा। अब आ गए हम लोग कंक्लूजन में, बिली का एवरेज स्कोर कितना है, बिली का एसडी कितना है, तो लोअर एस्टिमेट इतना है कि अगर बिली खेलता है तो वो 19.81 लोअर साइड में करेगा, मैंने मिनिमम इतना स्कोर करेगा, और अपर साइड में बिली 1.79 प्लस करो 23.39 करेगा, मैंने एक शेयर अगर उसका वोलेटिलिटी एंड डेविएशन कैलकुलेट करके हमने ये देखा कि अगर सब कुछ कैलकुलेट करके ये पता चल रहा है कि अगर वो मार्केट गिरता है या मार्केट उठता है तो अगर गिरेगा तो कितना लोअर साइड में गिरेगा और अगर उठेगा तो कितना अपर साइड में उठेगा, ये चीज कैलकुलेट हो जाता है। खेल तो डिजिट का ही है, ये जो कंपनी स्ट्रेटेजी बना के देता है ना, ये स्ट्रेटेजी बनाने के पीछे यही कैलकुलेशन काम करता है। अब आप लोग देखो, किसी का बोला हुआ रास्ता में अंधाधुन खेलने से अच्छा है वो क्यों बोलना चाहता है इसका अगर दिमाग लगा है तो फिर खुद का लॉस होने का चांसेस भी कम रहेगा। प्रॉब्लम है कि हम लोग बस अंधा खेलते हैं। अब बोला होगा आप स्टॉक्स बोला है, मोतीलाल बोला है, अरे भाई वो बोला है उसको कमाई करना है, उसका इनकम है, ठीक है? ठीक है, वो तो लॉस में भी, तुम्हारे लॉस में भी वो इनकम करता है, माने छाती पे चढ़ के खाता है, खून पीस लेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपना खेल खेलना है, हमारा पैसा है उसका पैसा थोड़ी है, तो बिना समझ के खेलेंगे सर। तो ये जो एसडी कैलकुलेट किए, अच्छा रियल लाइफ में इतना कैलकुलेशन नहीं करना है,
ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ में डेटा होता है, आप बस प्लस माइनस करो कि मार्केट यहां से कितना कितना डाउन जाने का चांसेस है। माइक कितना कर सकता है, 10.98 माने 22.16 से 11.18, माने माइक का स्कोर करने का लोअर एस्टिमेट है 10.98 और हायर स्कोर करने का चांसेस है 11.34। इसका मतलब माइक का, माइक इज 33.34, माने माइक इज लाइक रोहित शर्मा एंड बिली इज लाइक विराट कोहली, ठीक है। अब स्कोर कराने का चांसेस किसको है, हमें अगर मिनिमम 20 रन चाहिए, ठीक है, तो आई थिंक बिली इज द राइट पर्सन, ठीक है, क्योंकि उसका चांसेस हाई है ना। तो दिस नंबर सजेस्ट दैट इन द अपकमिंग 7 मैच बिली इज लाइकली टू गेट ए स्कोर एनीवेयर बिटवीन 19.81 टू 23.39 एंड माइक स्टैंड्स टू स्कोर एनीवेयर बिटवीन 10.98 टू 33.34 बिकॉज माइक हैज ए वाइड रेंज, इट इज नॉट इजी टू फिगर आउट इफ ही इज गोइंग टू स्कोर एटलीस्ट 20 रन, ही कैन आइदर स्कोर 10 या फिर 34, एनीथिंग इन बिटवीन। हाउएवर बिली का क्या है 19 एंड 23, तो सिलेक्टिंग माइक ओवर बिली फॉर द 7 मैच कैन बी रिस्की, है ना, जो ज्यादा वोलेटाइल है वो ज्यादा रिस्की है, इसलिए हम उसे चूज करेंगे जो लेस रिस्की है ना। सो गोइंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, व्हिच प्लेयर डू यू थिंक इज मोर लाइकली टू स्कोर एटलीस्ट 20 रन, बाय नाउ द आंसर मस्ट बी क्लियर, बिली इज कंसिस्टेंट एंड लेस रिस्की कंपेयर्ड टू माइक। तो आप जब स्टॉक चूज करोगे ट्रेडिंग करने के लिए, दो स्टॉक आपके सामने है, एचडीएफसी बैंक भी है, आईसीआईसीआई भी है या समथिंग जो भी सिमिलर, टीसीएस इज देयर, इंफोसिस देयर या एचसीएल टेक इज देयर, किसे चूज करना चाहिए, कौन ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। आपका एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस का एक चीज है कि मुझे इस पर्टिकुलर में इतना इनकम मुझे करना है, ये बहुत फोकस्ड फुल एरिया है, अगर कैलकुलेट करके किया जाए ना, ये जो एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसको क्या बोलते हैं जानते हो, जैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं, है ना, वो पढ़ते नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ उसका मेरा, ठीक है। ये जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो मैथमेटिकली मार्केट को देख के समझते हैं। आप लोग मुझे पूछते थे ना कि कैंडल के बिना भी कोई चीज है क्या, क्या है फिर ये, कैंडल के बिना भी चीजें होते हैं, कुछ लोग कैंडल नहीं देखता, ये देखता है, मैंने कैंडल देखता है, पर उनके लिए कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से मार्केट का वोलेटिलिटी कैलकुलेट करके मार्केट का रेंज यहां से यहां तक हो सकता है। जब कभी टीवी में या न्यूज़पेपर में कोई एनालिस्ट का कोई बात होता है ना, वो एक एनालिसिस देता है, कैसे देता है, वो ऐसे बोलता है कि मार्केट लुक्स लाइक कि इसका करंट डेविएशन इज फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है, तो उसके रेंज वो बता देते हैं कि मार्केट यहां से इसके बीच में रहने का चांसेस है, ठीक है। फिर सेकेंड में वो कैंडलस्टिक बोलते हैं कि करंट कैंडल या एमएसडी इंडिकेटर ऐसे दिखा रहा है कि शायद मार्केट कल यहां तक जा सकता है, वो सारा एनालिसिस अलग अलग करके देता है और फिर एक इकोनॉमिक फंडा देता है। तीन तीन चीज जब एक साथ एक पैरामीटर में बैठ जाता है तो मार्केट का बुलिश एंड बेयरिशनेस आपके ग्रिप में होता है। बात समझ में आ रहा है सर, ये सब एक एक पैरामीटर है टू अंडरस्टैंड द मार्केट। तो आई थिंक स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है इतना तो दिमाग में गया, ठीक है। So in principle, we assess the riskiness and these players as by standard deviations and SD must represent risk. In the stock market world, we define volatility as the riskiness of the stock or an index. Volatility as a percentage number as measured by the standard deviations. Volatility को अगर हमें percentage form में देखना है तो वो मुझे standard deviation से देखना पड़ता है, ठीक है। अब next class में मैं आपको जो चीज आप अभी तक आपको मैं समझाया यही चीज मैं आपको निफ्टी या स्टॉक के एंगल से समझाऊंगा, तो फिर आप लोग और एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। समझ में आया ना सर, थैंक यू, फिर आज इतना ही, घर जाओ, हैप्पी ट्रेडिंग करो, नेक्स्ट हम लोग मंगलवार ही मिलते हैं सर, करेक्शन मार्केट में सर, ये साल चुका ही है करेक्शन दे रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो पहले में होगा नहीं चलता है ये अपना ही सेट करता है, ठीक है चलो। एक सैटरडे कल के पप्पू कमोडिटी क्लास कल के इवनिंग है, एट अ कॉल करने
बेटा मैसेज कॉल को। हाँ सर बाय बाय सर। तो ये नहीं है।